हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चिकन स्टार्टर की एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और जल्दी बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं ये चिकन फ्राई कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम क्लीन किया हुआ बोनलेस चिकन ले लिया है। हमें इसके मीडियम से भी छोटे पीसेस कर लेने हैं। हमें इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। स्वाद के अनुसार नमक हम इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर हमें इसमें ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर हम इसमें डाल देंगे एंड 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड कर देंगे। एक छोटे से बाउल में हमें 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस ले लेना है। फिर हम इसमें 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस हमें इसमें ऐड कर देना है और 1 टीस्पून वेनिगर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम चिकन वाले बाउल में डाल देंगे। अभी हमें ये मसाले और ये सॉस चिकन के साथ हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, मैं गरम मसाला डालना भूल गई थी, तो 1 टीस्पून गरम मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को मिक्स कर लेंगे। चिकन तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जिसके वजह से ये चिकन बाहर से तो क्रिस्पी होगा लेकिन अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट रहेगा। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन अभी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मीडियम आंच पे हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और इन चिकन के पीसेस को एक एक करके इस तेल में छोड़ेंगे और फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस पे कमेंट करना, इन्हें लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, इस तरह से तैयार है क्विक चिकन फ्राई, जो बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी लेकिन अंदर से बेहद मॉइस्ट रहेगा और टेस्टी रहेगा। आप इसे शेजवान चटनी के साथ खा सकते हो या मिंट चटनी के साथ भी खा सकते हो। तो तैयार है क्विक चिकन फ्राई।